बिल्कुल, वॉइस ऑफ बहावलपुर के लिए मैं हूं अली रजा और आज हम मौजूद हैं बहावलपुर के एक बड़ी नहर पर जहां पर रेस्क्यू 112 की जानिब से एक मॉक एक्सरसाइज का अहतमाम किया गया था जिसमें तमाम जो रेस्क्यू 112 का अमला है वो मौजूद है और अपनी जो कश्तियां हैं, जो बोट हैं, जो हालात हैं उनको चेक किया जा रहा है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी के जो 112 के जो ऑफिसर हैं बाकर हुसैन, उनसे जानते हैं कि आज की जो मॉक एक्सरसाइज है इसका मकसद क्या था। हमारे नाज़रीन जो है उनको बताएंगे। सर, आज की जो मॉक एक्सरसाइज थी इसमें कितने लोगों ने हिस्सा लिया और आज का मकसद क्या था मॉक एक्सरसाइज जी? आज हमारे तकरीबन 100 के करीब लोगों ने जो इसमें पार्टिसिपेट किया और इसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में भी पार्टिसिपेट किया जिसमें लाइफ स्टॉक है, हेल्थ है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और रेस्क्यू 112 है। और इसका आज का मकसद यही था कि हमारे पास जो फ्लड फाइटिंग इक्विपमेंट है हम इसको टेस्ट कर सकें, इसकी जो फंक्शनैलिटी है उसको इंश्योर कर सकें और दूसरा साथ साथ हम जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के दरमियान कोऑर्डिनेशन है कि अगर खुदा न कहा था फ्लड आता है तो हमने किस तरह कोऑर्डिनेशन के साथ लोगों की हेल्प करनी है, कैसे मैक्सिमम रिलीफ पहुंचाना है ताकि एक जगह पे तमाम लोग मौजूद हों और तमाम लोगों को एक छत तले तमाम सहूलियात मिलें। और इसके रिलेटेड ये एक्सरसाइज की गई है और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोगों ने बड़ा अच्छा पार्टिसिपेट किया और हमारा इक्विपमेंट जो है, हमारे लोग हैं वो रेडी हैं इंशाल्लाह ताला। हम लोगों को ये तहफ़ फ्राहम करते हैं कि इंशाल्लाह ताला हम रेडी हैं और किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा, कोई भी एमरजेंसी होगी फ्लड की इंशाल्लाह वो हमें हर दम तैयार पाएंगे और तमाम हमारी मशीनरी, तमाम इक्विपमेंट, तमाम व्हीकल्स इंशाल्लाह रेडी हैं। सर, ये बताइएगा कि जब आप लोग फील्ड में जाते हैं किसी भी एमरजेंसी की सूरत में तो लोगों का रवैया जो है वो रेस्क्यू के जो अमला होता है उनके साथ कैसा होता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रवैया, लोगों को पता है कि लोग ये हमारी हेल्प के लिए आए हैं जो हमें रिलीफ मुहैया करेंगे। और इसके साथ साथ आपने देखा चोलिस्तान में भी जब ये पानी की शॉर्टेज हुई है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने लोगों को तकरीबन 18 लाख लीटर पानी जो है लोगों के घरों तक पहुँचाया है और लोगों को इंशाल्लाह लोगों को सेटिस्फाइड किया है कि कोई घबराने की बात नहीं है, हम इंशाल्लाह आपकी मदद के लिए तैयार हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल के तावन के साथ हमने लोगों को पूरा रिलीफ दिया है और फ्लड में भी हमारी कोशिश यही होती है कि लोगों की मदद की जाए और लोगों को भी पता है कि ये हमारी तहफ़ के लिए आए हैं, हमारी हिफाजत के लिए आए हैं, तो लोग बड़ा अच्छा अप्रिशिएट भी करते हैं और लोग तावन भी करते हैं। अच्छा सर, इसके जो रेस्क्यू का जो बजट है इसके हवाले से आपको कोई इस वक्त मुश्किलात तो नहीं है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट कर रही है, जो जो चीज़ें हमारी रिक्वायरमेंट हैं वो भिजवाई और दी और लोगों डिपार्टमेंट ने दी भी हैं और गवर्नमेंट पूरी जो हमारे साथ तावन कर ली है क्योंकि ये देखें लोगों की एमरजेंसी का डिपार्टमेंट है, लोगों की जो हिफाजत के लिए है तो इसमें गवर्नमेंट बढ़ चढ़ कर हमें सपोर्ट करती है और अल्हम्दुलिल्लाह कर रही है। बिल्कुल, गवर्नमेंट भी जो है वो अपना भरपूर जो तावन है वो रेस्क्यू के साथ जारी रखे हुए और रेस्क्यू का अदारा वो वाहिद अदारा है जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, पूरे पंजाब में जो है ये वो वाहिद अदारा है जो हर एमरजेंसी में, ख्वाह वो रोड का कोई एक्सीडेंट हो जाए, कहीं आग लग जाए या कहीं पानी का कोई ऐसा इशू होता है तो ये रेस्क्यू का अदारा ही है जो सबसे पहले मदद फराहम करता है। और लोगों को आज इस अदारे पर फ़ख्र भी महसूस करना चाहिए क्योंकि ये वो वाहिद अदारा है जो इस वक्त लोगों की जो दिल की आवाज़ है वो बना हुआ है और लोग जो है इसको दिल से सल्यूट करते हैं।